जानना चाहेंगी कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, आपने कैसे इस प्रोजेक्ट पे काम किया। गौरव और मैं एक दूसरे को करीबन 5-6 साल से जानते हैं और गौरव टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करते हैं और उन्होंने मुझसे काफ़ी देर पहले बात की थी कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ सामने लाएं मार्केट में जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं फ़िटनेस में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो इसी बीच हमारी मोबी फिट की जो हमारी जर्नी है वो शुरू हुई करीब 5-6 महीने पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले। और उस जर्नी के ज़रिए ये डिसाइड किया गया कि हमारी जो पहली ऐप होगी वो एक रनिंग ऐप होगी। तो मोबी फिट एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फिटनेस ऐप्स बनाती है और हमारी पहली ऐप है फर्स्ट रन, जो टारगेट करती है उन लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं दौड़ा है। और हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी ये गूगल प्ले स्टोर पे फ्री अवेलेबल है। देखिए ये ऐप जो है वॉइस कोच्ड है, तो आपको एक बार जब आपने एक बार शुरू कर लिया है इसको और ईयरफोन्स आपके कान में लग गए हैं तो आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐप के ज़रिए मेरी आवाज़ आपको बताएगी कब आपको चलना चाहिए, कब आपको दौड़ना चाहिए। और पहले हफ्ते में आप सिर्फ, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप केवल 1 मिनट दौड़ें और धीरे धीरे जैसे आप 9वें हफ्ते तक पहुँचेंगे आप 30 मिनट लगातार दौड़ सकेंगे। हाँ, मैं शुरू से बहुत चुनिंदा फिल्में करती आई हूँ और मैं आने वाले सालों में भी चुनिंदा फिल्में ही करूँगी। फिलहाल कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ लेकिन कुछ मज़ेदार दिखाई नहीं दिया। आम आदमी पार्टी में आने के बाद आप थोड़ा लंबा गैप ले रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी की मैं एक समर्थक हूँ, आम आदमी पार्टी की मेम्बर हूँ मैं, पर ये कारण नहीं है कि मैं फिल्में कम कर रही हूँ। कारण ये है कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं है और जब अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी तभी मैं फिल्में करूँगी। मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ, मैं व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूँगी, वो ये है कि आप ज़िंदगी में जो भी करते हैं अपने लिए कीजिए, अपनी खुशी के लिए कीजिए, और उसके ज़रिए अगर आप किसी और की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें आपको वो करना चाहिए। फिटनेस मंत्र ये है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जितना खा रहे हैं और कितना आप चल फिर रहे हैं उसके बीच में अगर तालमेल नहीं होगा तो आपका वेट बढ़ने की संभावना है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि जब आप कुछ भी खाते हैं आपको ध्यान होना चाहिए कि वो आपके लिए पोषण दे रहा है या सिर्फ आपको ओवरवेट बना रहा है। थैंक यू, गुड क्वेश्चंस हैं।